बलिया जिले से बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह ने रामगोपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लगता है रामगोपाल ने ही अतीक अहमद के बेटे की गिरफ्तारी कराई है, इसलिए उन्हें पता है कि उनके बेटे का एनकाउंटर होगा। ये प्रोफेसर रामगोपाल जी या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम के हिस्सा हो सकते हैं, या तो हो सकता है उन्होंने अरेस्ट कराया हो। बेहतर इतना आदमी कोई अगर क्लियरिफाई कर रहा है कि पकड़ लिए गए हैं, एक बेटा मारा जाएगा, इसका मतलब कि हो सकता है कहीं ना कहीं भाई उनके जानकारी में हो, लेकिन हम लोगों को तो ऐसी जानकारी में है नहीं। हम तो ये देख रहे हैं कि पुलिस ने दो इनकाउंटर किया और अभी बाकी लोगों के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन उनका ये कहना है तो फिर वही बेहतर बता पाएंगे। वहीं उमा शंकर सिंह ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए बीजेपी से मिलकर आजम खान को चुनाव हराया। मुस्लिम समाज भी सपा से अलग हो रही है। सपा से मुसलमान अब बिल्कुल दूरी बना लिए हैं, इसलिए कि अब लोग समझ गए हैं समाजवादी पार्टी को। जिस तरह से इन लोगों ने आजम खान को नेस्तनाबूद करा दिया और बीजेपी से मिल करके करा दिया, उनको चुनाव हरा दिए, वो चाहते नहीं आदरणीय अखिलेश जी कि आजम खान साहब कहीं भी लाइम लाइट में रहें, वो अपने आगे से पूरी तरह से उनको हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, और उसमें उन्होंने सफलता भी हासिल कर ली, हटा भी दी। तो इसलिए मुसलमान समाज समझ रहा है कि नहीं, ये किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। उनके कई कई विधायक अभी जेल में हैं, लेकिन उनको उनके ऊपर कोई फर्क नहीं है। वो धीरे शुरू से ही उनको इस ऐसे नफरत थी और उस बात को मुसलमान समझ गया है, अब उनके साथ कभी नहीं जाने वाला। वहीं बुलडोजर के सवाल पर बसपा विधायक ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं, उसे मायावती जी ने शुरू किया था, उस समय मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। बुलडोजर याद से नहीं है, आपको याद होगा कि जब हम सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री थी, उस समय तमाम ऐसे लोगों का जो लोग इस तरह से कुछ गलत काम करते थे, उन पर बुलडोजर चलता था, उसी को लोग पुनरावृत कर रहे हैं। ये जरूर है कि उस समय मीडिया उस चीज़ को कम हाईलाइट करती थी, आज मीडिया उसी को ज़्यादा हाईलाइट कर रही है। जबकि आप उठा के देखेंगे उस समय के कार्यकाल का, तो उस समय के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश पूरे देश में क्राइम के मामले में 34वें नंबर पे था, यानी पूरे देश में जो NCRB का जो आंकड़ा निकलता है उसमें हमारा प्रदेश 34वें नंबर पे था क्राइम के मामले में, यानी हमसे कम एक प्रदेश नागालैंड जहाँ पे क्राइम हमसे कम था, नहीं तो हम 34वें नंबर पे थे। UP60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।